साइड पे चारों चीज़ें अवेलेबल है, एक ही साइड पे चारों डिवाइसेस पे वो बराबर रहती है। उसके अलावा हम लोग ने आपको एक रिटेल कैटलॉग दिया है फॉर कस्टमर्स। इसका मतलब ये हो गया कि पहले आपको forever living.com पे जाना रहता था, forever living.com पे जाके आपको फिर आप लॉगिन करते थे एलो स्टोर के ऊपर, और उसके बाद से आपको सिर्फ आपकी जो एलिजिबल प्राइसेस है वो मिल जाते थे, लेकिन आपको जो है आपके कस्टमर्स जो रिटेल कस्टमर्स है उन लोग को आप एलो स्टोर के जो भी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके MRP नहीं दिखा पाते थे। अभी आप डायरेक्टली allostoreindia.in पे जा सकते हैं, उनको आप मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है वो लोग को दिख जाते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के, और अगर वो इंटरेस्टेड है फिर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं और साइन अप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और नया फीचर लेके आए हम, वो है आपके पासवर्ड जनरेशन का। अभी आप पासवर्ड जो आप forever living.com पे यूज़ कर रहे हैं वो पासवर्ड यहाँ पे लागू नहीं होता, आपको आपके ID के द्वारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल और मेल एड्रेस है उस पर आपको एक OTP आ जाता है, वो OTP आपको ये एलो स्टोर पर डाल के फिर आप रजिस्टर कर सकते हैं, और एलो स्टोर पर रजिस्टर्ड हो जाने के बाद आप यूज़ कर सकते हैं उसको। लेकिन यहाँ पे मैं एम्फेसिस देना चाहता हूँ कि ये जो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है कि वो कंपनी के साथ सही रजिस्टर्ड हो और एकदम अपडेटेड रहना ज़रूरी है। अगर ये मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड नहीं है कंपनी के साथ, या फिर करेक्ट नहीं है या अपडेटेड नहीं है, तो आपको वो OTP जो है वो आपको मिलेगा नहीं, और अगर OTP नहीं मिलेगा तो आप ये एलो स्टोर इंडिया जो है नया साइट जो है उसके ऊपर आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। उसके अलावा OTP के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक इशू हो सकता है, जो कि आपका जो नंबर जो है वो DND रजिस्टर्ड है। अगर ये DND रजिस्टर्ड नंबर है जिसमें ज़्यादा कंप्लेंट्स आपने DND के थ्रू लॉन्च किया है, तो उसके वजह से आपको OTP ना मिलता रहेगा। अगर वो आपको उस वजह से इशू आता रहेगा तो आप प्लीज़ हमें admin@flpindia.net पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा और हम उसका एक ऑल्टरनेटिव आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपको अगर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपके हमारे सिस्टम में रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको admin@flpindia.net पे आपका चेंज ऑफ स्टेटस फॉर्म जो है हमें भेज सकते हैं। वो चेंज ऑफ स्टेटस फॉर्म जो है वो अवेलेबल है, ये जो लिंक मैंने आपको मेरे स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है वहाँ पे वो लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं, और ये आपको मैं कमेंट्स में भी डाल दूंगा। ये लिंक पे आप क्लिक करके जो है चेंज ऑफ स्टेटस फॉर्म डाउनलोड करके आपकी डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे भी जो है आपके वेबसाइट पे forever living.com पे माय अकाउंट में माय प्रोफाइल के अंदर जो है आप आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस देख सकते हैं कि ये सिस्टम में है कि नहीं है। अगर ईमेल एड्रेस चेंज करने की नौबत आ जाती है तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं उसको, लेकिन आपका फर्स्ट टाइम अगर रजिस्ट्रेशन है ईमेल एड्रेस का, अगर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो forever living.com पे और आपका फर्स्ट टाइम ईमेल रजिस्ट्रेशन है, तो आपको जो है admin@flpindia.net पे चेंज ऑफ स्टेटस फॉर्म के द्वारा वो ईमेल एड्रेस देना ज़रूरी है। एक और नया फीचर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आज, वो है वेटिंग टाइम एट द RDO जो है हमारा रिड्यूस हो गया। और वो किस तरह से रिड्यूस हो गया, जब भी आप नए एलो स्टोर में जाते हो आपको जब भी आप पहले प्रोडक्ट एक भी प्रोडक्ट आप ऐड करते हो कार्ट में, तो पहला आपको सवाल ये पूछा जाता है कि आपको पिकअप करना है ये RDO से, या तो आपको डिलीवरी लेना है कोई कौन से पिन कोड पे। यदि आप पिकअप करते हो कोई भी RDO से, तो आपका ऑर्डर जो है वो RDO जो भी आपकी नज़दीकी RDO है वहाँ पे वो आप जिस जो RDO आपने सेलेक्ट की है वो RDO वो सेलेक्ट हो जाती है, और वो RDO से वो आपकी ऑर्डर प्रोसेस हो जाती है। अगर बोला जाए तो अगर आप इमरजेंसी में कहीं जा रहे हो बाहर और आपका RDO आपके ऑन द वे में आ जाता है और आपको ऑर्डर प्लेस करना रहेगा, तो आप वो एलो स्टोर के थ्रू आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो।
और जैसे ही आपका ऑर्डर वहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री में दिखाई देगा और आपको इनवॉइस दिखाई देगा, आप तुरंत ही वो ऑर्डर का इनवॉइस आप आरडीओ में दिखा सकते हो और वहाँ पे जो है आप आपके प्रोडक्ट ले सकते हो। अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से ऑर्डर आप तुरंत नहीं ले पाओगे आपके आरडीओ के आरडीओ में, क्योंकि जो करंट सिचुएशन के हिसाब से आपको हमारे जो फॉरएवर क्यू मैनेजर है, जो कि इसका लिंक और इसका क्यूआर कोड यहाँ पे दिया हुआ है राइट हैंड साइड आपकी स्क्रीन पे, उस पर आपको जाके एक स्लॉट बुक करना है आपके आरडीओ के लिए और तब जाके आपको आपके ऑर्डर्स पिकअप कर सकते हैं वहाँ पर। उसके अलावा हम एक नया क्विक ऑर्डर करके एक ऑप्शन क्रिएट किए हैं यहाँ पे अगर आपको आपके कोड मालूम है प्रोडक्ट के या तो प्रोडक्ट का नाम मालूम है, तब तुरंत वो टाइप करके ये यहाँ पे सेट कर सकते हैं और आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको साइट पे ब्राउज नहीं करने हैं बाकी सब प्रोडक्ट, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली जाके क्विक ऑर्डर टॉप राइट हैंड साइड में दिखाई देगा आपको, वहाँ पे आप क्लिक करके जो है आप आपका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब भी आप प्रोडक्ट ऐड करते हो कार्ट में तो दो ऑप्शंस आ जाते हैं, एक ऑप्शन है पिकअप एट द आरडीओ और दूसरा ऑप्शन है डिलीवरी एट दिस पिन कोड। जब भी आप पिन कोड टाइप करते हैं तो पिन कोड के द्वारा हमने एक ऐसा सिस्टम बना के रखा है जो आपके पिन कोड के द्वारा क्लोजेस्ट जो डिलीवरेबल आरडीओ है वहाँ पे जो है आपका ऑर्डर जाता है, आपका इनवॉइसिंग वो आरडीओ से हो जाती है और वो जो आरडीओ से फिर आपका प्रोडक्ट डिस्पैच हो जाते हैं। तो इसमें जो है आपसे आपको कम से कम टाइम में जो है आपका जो ऑर्डर जो है हम लोग ट्राई करते हैं कि आपको डिलीवरी कर सकें। एक और एक नया फीचर आ गया है वो है FLP वॉलेट। वो FLP वॉलेट का मतलब जो आप अभी तक एडवांस एलोकेशन जो यूज़ करते थे, आप अभी तक उसका जो ऑर्डर जो पैसा आपको भरना था ऑर्डर के लिए वो आप ऑर्डर प्रोसेसिंग टीम से करवाते थे, वो फीचर हम लोग ने एलो स्टोर में लेके आए हैं। ये जो एलो स्टोर है, एलो स्टोर में अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हो, जब भी आप एडवांस एलोकेशन करते हो आपके आईडी के लिए या किसी और के आईडी के लिए, तो वो यूज़र्स जो है ये जो एलोकेटेड फंड्स है उनके वो यूज़ कर सकते हैं, और जब भी वो लोग यूज़ करते हैं ये फंड्स को तो उनको एक OTP जो है वो डालना पड़ता है, तब जाके वो फंड्स यूज़ कर सकते हैं। एक और बेहतरीन फीचर हम लोग लेके आए हैं जो कि आपके जो ऑर्डर्स है आपके ऑर्डर्स डायरेक्टली इनवॉइसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये जो इनवॉइसेस जो है आपको ऑनलाइन दिखाई देता है ऑन द ऑर्डर हिस्ट्री ऑन योर एलो स्टोर। ये सिर्फ एलो स्टोर की इनवॉइसेस नहीं बट जो भी इनवॉइसेस आप काउंटर पे भी बनाते हैं वो आपका उसका जो स्टेटस है आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ऑर्डर हिस्ट्री में एक और चीज़ हम लोग लेके आ रहे हैं वो है ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन। तो वहाँ पे आपको जो कुरियर से जाता है कौन सा कुरियर का वेबसाइट पे जाके आपको चेक करना है उसका ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको वहाँ पे दिखाई देगा। ये एक और फीचर हम लोग ले गए हैं एलो स्टोर में जो कि है रिव्यू देना। हमारे प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए हम लोग ने ये फीचर डाला है जिसमें आप जो है आप प्रोडक्ट के रिव्यू दे सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट कैसे लगे। उसके अलावा हम लोग ने एक नया फीचर लेके आए हैं जो कि बेस्ट सेलर्स है। बेस्ट सेलर्स का मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट्स जो कंपनी से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आप ऑर्डर करते हो वो प्रोडक्ट्स जो है आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं और जो कंपनी का सिस्टम में वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा ऑर्डर किया हुआ रहता है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये जो फीचर है बेसिकली आपको इट इज़ एन एडवांस सिस्टम वेर इन मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स
द सिस्टम कैलकुलेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑर्डर्ड और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाई देता है। एक और नया फीचर लेके आए हैं आपके फॉरएवर फेवरेट्स, जो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं जो आपको बहुत ही पसंद आ जाते हैं, जो आप फ्रीक्वेंटली ऑर्डर करते हैं, आप उसको फेवरेट्स में मार्क कर सकते हैं। जैसा ये हार्ट आइकन आपको दिख रहे हैं एरो लिप्स के ऊपर, वैसे आप उसको मार्क कर सकते हैं। ये जो फीचर है, फिर आपको आपके होम पेज में माई फेवरेट्स में जब भी आप लॉग इन करते हो तभी आपको दिखाई देगा। एक और नया फीचर हम लेके आए हैं वो है वर्क्स बेस्ट विथ का मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट के नीचे देखते हो तो उसके नीचे जो भी, फॉर एग्जांपल एलोवेरा जेल के साथ आप आरजी ले सकते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया जाता है ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। जो भी आपकी जो क्वेरीज है प्रोडक्ट्स के कि ये प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट के साथ काम कर सकता है, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे तुरंत मिलेंगे, तो आप आपके टीम्स को भी ये एडुकेट कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं एलोस्टोर लाइव में। तो ये है एलोस्टोर का जो वेबसाइट, यहाँ पे देख सकते हो बेस्ट सेलर्स जो है, मैंने अभी तक लॉगिन नहीं किया वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आपको बेस्ट सेलर्स दिखाई देते हैं, आपको फेवरेट्स नहीं दिखाई देते, फेवरेट्स आपके लॉगिन में ही दिखाई देंगे। उसके अलावा एक फीचर हम लोग ने किया है कि हम एप्लीकेशन बेस्ड हम लोग ने यहाँ पे कैटेगराइज किया है, जो प्रोडक्ट्स फेस के लिए, जो प्रोडक्ट्स फैमिली के लिए हैं, जो प्रोडक्ट्स आप फिटनेस के लिए मानते हो, जो आप हार्ट के लिए यूज़ कर सकते हो, हाथ पे यूज़ कर सकते हो और जो स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। तो और यहाँ पे भी प्रोडक्ट के कैटेगरीज हैं, आप यहाँ से भी सॉर्ट कर सकते हो उसको, यहाँ से भी आप सॉर्ट कर सकते हो और देख सकते हो। अभी मैं लॉगिन नहीं हूँ यहाँ पे, जब भी मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ तो पहले पूछता है प्लीज़ साइन इन टू योर कार्ड। जब तक मैं साइन इन नहीं करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ MRP दिखाई देते हैं प्रोडक्ट्स के और उनके डिस्क्रिप्शंस दिखाई देते हैं। तो मैं अभी साइन इन करने जाता हूँ। अगर मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे साइन इन किया होता तो यहाँ पे OTP के लिए पूछा जाता। अभी मेरा पासवर्ड यहाँ पे सेट है तो मुझे सिर्फ पासवर्ड सेट करना है। अगर मुझे मेरा पासवर्ड याद नहीं है तो मैं यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक कर सकता हूँ, ID नंबर डाल के मुझे मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे पासवर्ड मिल जाता है। साइन इन किया अभी एलोस्टोर इंडिया में। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते तो मेरा वॉलेट बैलेंस दिखा देता है, मेरा डेट ऑफ जॉइनिंग, मेरा ये मंथ में कितना CC हो गया, पिछले मंथ में कितना CC हो गया, पूरे कितने CC हो गया, मेरा लेवल क्या है। यहाँ से भी मैं क्विक ऑर्डर कर सकता हूँ और यहाँ से भी नीचे मैं क्विक ऑर्डर कर सकता हूँ। जब भी मैं क्लिक कर देता हूँ मेरे प्रोफाइल पे तो ये पूरा पेज खोल देता है जिसमें मैं मेरा एड्रेसेस देख सकता हूँ, पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ, मेरे फेवरेट्स में चेक कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरा ऑर्डर हिस्ट्री में चेक कर सकता हूँ, और अगर नहीं तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे शॉप पे क्लिक करके यहाँ पे शॉप नाउ में आ सकता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं एक ऑर्डर प्लेस करता हूँ हमारे सबसे फेवरेट प्रोडक्ट का, जो कि हमारे एलोवेरा जेल है। यहाँ पे RDO सेलेक्ट कर रहा हूँ मुंबई और मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने ऐड टू कार्ट किया तो यहाँ पे कार्ट में ऊपर 1 unit ऑफ प्रोडक्ट आ गया है, मेरा CC इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गया और मेरा अमाउंट यहाँ पे दिखाई दिया। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद इसको चेकआउट कर दिया। जैसे मैंने चेकआउट कर दिया मेरा ये स्क्रीन खुल गया कि ये मेरा ऑर्डर डिटेल्स है। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स ऐड भी कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ, और उसके अलावा अगर मुझे टोटल्स देखने हैं, मेरा डिलीवरी चार्जेस कितने हैं, अगर मैंने डिलीवरी बाय पिन कोड बेस किया होता तो डिलीवरी चार्जेस यहाँ पे हैं एप्लीकेबल हो जाते थे।
यहाँ पे मैं अभी ऑर्डर प्लेस कर लेता हूँ। जब भी मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे डिलीवरी, बिकॉज मैंने मुंबई RDO एज अ डिलीवरी एड्रेस चुना है, तो यहाँ पे मुंबई RDO आ गया है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मेरे पास दो तरीके हैं ये ऑर्डर प्लेस कर ऑर्डर पेमेंट करने के, या तो मैं बैलेंस यूज कर सकता हूँ, या तो मैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग या UPI के थ्रू मैं पेमेंट कर सकता हूँ थ्रू एटम। तो मैं एटम यूज़ करके मैं पेमेंट कर लेता हूँ अभी फिलहाल। थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रीन को डीएक्टिवेट कर रहा हूँ ताकि मैं मेरा कार्ड का डिटेल्स डाल दूँ, क्योंकि ये लाइव ट्रांजैक्शन हो रहा है। कार्ड की डिटेल्स डाल दिए हैं, यहाँ पे मैं अभी OTP डाल रहा हूँ मेरे फ़ोन का, जो OTP आया है। और यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने कंटिन्यू क्लिक किया तो मुझे ये मैसेज आ गया कि योर पेमेंट हैज़ बीन प्रोसेस विथ ऑर्डर नंबर 100, ट्रांजेक्शन आई डी 100 एंड More details of this has been sent to your registered mobile address, your mobile number. अगर वहाँ पे मैंने अभी वो ऑर्डर, मैंने वो स्क्रीन अभी बंद किया तो वहाँ पे आया था go to my orders. अभी मैं my orders में जाके यहाँ पे मैं all select कर रहा हूँ और submit क्लिक कर रहा हूँ। तो ये देखिए मेरे आज की तारीख का ऑर्डर नंबर 2516 का इन्वॉइस बन चुका है। जैसे मैं ये इन्वॉइस पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे एक नया विंडो खुल जाता है जिसमें मेरा पूरा डिटेल्स, मेरा स्पॉन्सर का डिटेल्स और मेरा इनवॉइस दिखाई देता है। तो ये बहुत ही आसान हो गया है आपके ऑर्डर्स बनाने के लिए, बहुत ही सिंपल हो गया। और आप यहाँ पे जो है सारी डिटेल्स देख सकते हैं, यहाँ पे आगे जाके जो भी ट्रैकिंग डिटेल्स अगर आपको देखना है, जैसे कि डिलीवरी पार्टनर और ट्रैकिंग डिटेल्स, ये सारे आपको दिखाई देंगे। अगर आपकी इन्वॉइसेस कैंसल्ड है, डिलीवर्ड है, फेल्ड है, ये भी दिखाई देगा। यहाँ पे जो है कुछ ऑर्डर्स मेरे फेल हो चुके हैं तो यहाँ पे ये फेल्ड ऑर्डर्स भी दिखाई देगा, आप ये भी देख सकते हो। अभी हम प्रेजेंटेशन की ओर कंटिन्यू कर देते हैं। ये बेसिकली था हमारा जो एलो स्टोर का एक वॉक थ्रू था, छोटा सा वॉक थ्रू था। और इसका जो ये जो एलो स्टोर है, इसमें हम नए नए फीचर्स डे बाई डे ऐड करते रहते हैं, और जैसे ये ऐड करते रहते हैं ये हम लोग आपको कम्युनिकेट कर देंगे आपके सोशल मीडिया के थ्रू या तो ट्रेनिंग के थ्रू आपको कम्युनिकेट करते रहेंगे। अगर आपके पास कुछ भी सुझाव है तो प्लीज़ ये जो कमेंट सेक्शन है, ये पेज, ये जो फेसबुक लाइव आप देख रहे हैं उस पे एलो स्टोर के अगेंस्ट जो भी आपके पास जो भी क्वेरीज है, जो भी कमेंट्स, जो भी फीडबैक है वो वहाँ पे टाइप कीजिएगा, क्योंकि ये जो फीडबैक है उसको लेके हम एक फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन एक FAQ शीट बनाएंगे जो कि आपको हम सर्कुलेट कर पाएंगे। अगर आपके जो ऑर्डर्स रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज है, फॉर एग्जांपल जो पिछले मार्च और अप्रैल के ऑर्डर्स के रिलेटेड क्वेरीज है, तो कृपया करके ये कमेंट सेक्शन में ना करें, उसको जो है आप orders@flpindia.net वहाँ पे लिखें ताकि हमारी टीम जो है वो क्वेरीज को जल्द से जल्द आंसर कर सके। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा है, जो फीडबैक है आप orders@flpindia.net पे टाइप कर दीजिएगा। जो भी आपके जो एलोस टू पासवर्ड जनरेशन रिलेटेड इश्यूज है, आपको ट्राई करना है कि जितना जल्दी हो सके आप ही वो पासवर्ड जनरेट करें। अगर उसमें दिक्कत हो जाती है तो आप तुरंत admin@flpindia.net पे ईमेल कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस अपडेटेड नहीं है तो प्लीज़ हमें admin@flpindia.net पे लिख लीजिएगा, बट उसमें चेंज ऑफ स्टेटस फॉर्म डालना मत बोल दीजिएगा।
अभी ये सेशन एलोस्टोर के ऊपर था और ये सेशन था डिजिटल जाने के ऊपर, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा और समय आपसे ले लेता हूँ और मुझे कुछ आपको बताना है डिजिटल के बारे में। आज का वक्त है डिजिटल जाना, जैसे आपने सोनिया जी की ट्रेनिंग देखी रहेगी और हमारे कई सारे लीडर्स जो है फेसबुक लाइव कर रहे हैं, जूम ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? ताकि आपको वो एडुकेट कर सकते हैं, ताकि आपके साथ नॉलेज इम्पार्ट कर सकते हैं। और जब भी ये नॉलेज अच्छा, ये जो आज की तारीख में ये जो करंट सिचुएशन है, जो जिसमें हम लोग लॉकडाउन सिचुएशन में हैं, तो यहाँ पे हमारा वे टू मूव फॉरवर्ड सिर्फ डिजिटल है। आपका सोशल मीडिया में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, आप सोशल उसके थ्रू ही रह सकते हैं अभी फ़िलहाल। तो आपका रीच अभी सोशल मीडिया के थ्रू ही आप बढ़ा सकते हैं, और इसके थ्रू द न्यू वे गोइंग फॉरवर्ड इज़ गोइंग डिजिटल। तो उसके लिए जो भी आपकी जो डाउनलाइंस है, और आपको जो है पहली बात तो आपके पास, हम लोग ने कुछ गाइड्स क्रिएट किए हैं जिसमें आपकी ईमेल एड्रेस, आपके रजिस्टर्ड एड्रेस और आपके बैंक डिटेल्स आप अपडेट कर सकते हैं। पहले आपको ये चीज़ आपको खुद को करनी चाहिए। ये सारे जो लिंक्स जो है ये आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएंगे, और ये जो लिंक्स जो है आप अपनी टीम्स के साथ भी प्लीज शेयर कर लीजिएगा। पहले आपको एज अ लीडर ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, ये सीखने की आवश्यकता है। यू हैव टू बी सेल्फ रिलायंट, यू हैव टू बी, और ये चीज़ें जो है आपको हमारे आपके टीम्स को भी दिखानी चाहिए। ये जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने पिछले स्क्रीन में दिखाया था, ये सारे आपको foreverliving.com में दिखाई दिया, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन क्रूशल है, आपकी आइडेंटिटी क्रूशल है। तो आपका जो पासवर्ड जो है वो सिक्योर रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैंने कुछ टिप्स यहाँ पे दिया है, जैसे कि आपके जो पासवर्ड है वो यूनिक होनी चाहिए, उसमें नंबर होने चाहिए, लेटर होने चाहिए, सिंबल होने चाहिए, लोअर केस और अपर केस, जो कैपिटल लेटर है और स्मॉल लेटर है उसके थ्रू होना चाहिए। एक एग्जाम्पल मैंने दिया है यहाँ पे एक पासवर्ड का, जो कि हर एक क्राइटेरिया को मीट करती है। ऐसे टाइप के पासवर्ड आपको रखने ज़रूरी है, क्योंकि ये जैसे आप डिजिटल जाते हो, जैसे कि आपने पिछले स्लाइड में देखा, बैंक डिटेल्स भी अपडेट कर सकते हो। ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके बोनसेस के लिए बहुत ही क्रूशल है। अगर आपके बैंक डिटेल्स गलत हो गए वहाँ पे, तो आपके बोनसेस गलत बैंक अकाउंट में जा सकते हैं, और वो आपके लिए एक रिस्क हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो उसी हिसाब से वो लोग बोनसेस भेज सकती है। तो आपके अकाउंट को जो है प्लीज़ उसको सिक्योर कर लीजिएगा। मेक श्योर कि आपके जो पासवर्ड्स है किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको जो है ये जो इन्फॉर्मेशन जो है आपकी टीम्स को बताने की ज़रूरत है। आप पहले सीखे और दूसरे को इम्पार्ट करें ये नॉलेज। जब भी आप कोई भी ट्रेनिंग करते हो, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट करो, उनको बताना ज़रूरी है। हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आते हैं कि मैडम सर ये मेरे डाउनलाइन का आईडी और पासवर्ड रीसेट करो, मैडम सर ये मेरे बैंक, मेरे डाउनलाइन के या अपलाइन के बैंक डिटेल्स अपडेट करो। हम ये चीज़ें नहीं कर सकते एज अ कंपनी। हमें हर एक इंडिविजुअल का जो है आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करना है, हमें हर एक इंडिविजुअल का जो है इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट करना है। तो कंपनी ऐसा कोई भी रिक्वेस्ट नहीं ले सकती है। इसके लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके डाउनलाइंस को बताएं कि ये चीज़ें वो लोग को खुद ही करनी चाहिए। जितना वो लोग सेल्फ रिलायंट रहे, जितना वो लोग उनके टीम्स के साथ भी जो है ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करें, ताकि वो लोग खुद से खुद अपने बैंक डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं, खुद से खुद उनके मोबाइल नंबर्स और ईमेल एड्रेसेस अपडेट करें, उतना उनके लिए ही अच्छा रहेगा। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म्स भरते हो, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, अभी तो फ़िलहाल सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशंस ही ले रहे हैं, बट जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हो रहे हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन एंटर किया है वो दोबारा से चेक करो, ताकि बिफोर सबमिटिंग इट, ताकि जब भी वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुँच जाए तो वो सही इन्फॉर्मेशन हो और आपको आगे जाके कोई भी तकलीफ ना हो।
यदि वो इन्फॉर्मेशन गलत है और यदि हमको ये चीज़ें वेरीफाई करनी है तो हम आपको 100 questions पूछ सकते हैं उसके ऊपर, और आपके लिए ही वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि हमें जो है आपका अकाउंट प्रोटेक्ट करना है और आपका जो इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास है उसको प्रोटेक्ट करना है। तो मेरे आपसे ये दरख्वास्त है कि आप जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो हमें फर्स्ट टाइम में ही आप सही प्रोवाइड करो, चाहे वो एक बार आप 5 मिनट लेके वो फॉर्म चेक कर लीजिएगा फिर वो बटन सबमिट को क्लिक करो ताकि वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास सही हो। उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया आपकी टीम्स को ये एडुकेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो जो भी इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग खुद ही प्रोवाइड करें या तो खुद ही अपडेट करें, आपके ऊपर निर्भर ना रहे क्योंकि उनका आइडेंटिटी और उनका जो सिक्योरिटी है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसी के साथ मैं ये प्रेजेंटेशन मैं एंड कर देता हूँ। होपफुली आपके कमेंट्स जो है मुझे देखने मिलेंगे और ये जो कमेंट्स हैं